तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य सरकार पे 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार पे। तो अभी हाल ही में एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार पे 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये जुर्माना लगाया क्यों है, तो एक्चुअल में उत्तर प्रदेश आज भी ऊपरी गंग नहर में गंदा पानी जो उसमें गिर रहा है उसको रोकने में आज भी नाकाम है। मतलब उसमें आज भी गंदा पानी गिर रहा है और उसे पॉल्यूट यानी कि प्रदूषित कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की इसी नाकामी के कारण एनजीटी ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पे 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अच्छा, मैंने बोला एनजीटी, फुल फॉर्म भी बताई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, इसे बनाया क्यों गया? तो नाम से ही पता चल रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि पर्यावरण से जो भी मामले होंगे ना, पर्यावरण से रिलेटेड उन विवादों को हल करने के लिए इसे बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष कौन है, आदर्श कुमार गोयल है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पे जुर्माना लगाया है तो उत्तर प्रदेश को आप मैप में देखिए, ये रहा उत्तर प्रदेश। कैपिटल की बात करेंगे तो याद रखना उत्तर प्रदेश की दो कैपिटल है, लखनऊ इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, इलाहाबाद इसकी जुडिशरी कैपिटल है। अरे सर जी ये तो बताओ, ये जुडिशरी कैपिटल, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल होती क्या है? तो देखो, जहाँ पे राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा होती है उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव कैपिटल, और जहाँ पे राज्य की हाईकोर्ट होती है उसे क्या कहते हैं, जुडिशरी कैपिटल। समझ में आई? अच्छा, ये जो इलाहाबाद है इसका नाम भी बदल दिया गया है, आपको पता है क्या, प्रयागराज, और फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया है। अच्छा, अभी मैंने बोला फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, चलो बताओ। ये तो स्टैटिक का है, अगर आप स्टैटिक पढ़ते हैं तो कांच के लिए फेमस है। अगर मैं आपसे पूछूं तालों के लिए कौन फेमस है, तो आंसर क्या आएगा, अलीगढ़ फेमस है। अच्छा, जो हमने कहा इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है लखनऊ, तो याद रखना लखनऊ में है इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसका नाम भी बदल करके क्या रख दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया है। और ये लखनऊ से ही प्रश्न बन जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे, तो आंसर क्या होगा, गोमती नदी के किनारे। अच्छा, SBI क्लर्क 2018 में, इस साल ही पूछा गया, पिछले साल पूछा गया था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश में है। और SBIPO 2018 में पूछा गया था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश ही होगा। अच्छा देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि भारत का पहला DNA बैंक फॉर एनिमल कहाँ पर है, तो आंसर क्या होगा, UP बरेली में। और इससे मिलता जुलता एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, वो तो हमने करंट अभी नवंबर के करंट अफेयर्स में पढ़ा था, भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ पर है, आंसर होगा मथुरा में है। अच्छा, 21 जनवरी के करंट अफेयर्स में ही हमने पढ़ा था कि मुगल सराय तहसील का नाम भी बदल दिया गया है, किस पे रखा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रखा है। अच्छा, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन मेरे साथ शेयर किया था, यूपी टेट का वो प्रश्न था, क्या था, यूपी का डांस कौन सा है, कुछ ऑप्शन थे और आंसर क्या होगा, कथक। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको सबको पता होगा, लेकिन इससे मिलता जुलता होता है कथकली, तो वहां कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप, कथक यूपी से रिलेटेड है और कथक कली केरल से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है, एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार पे कितने लाख रुपए का जुर्माना, 25 लाख रुपए का जुर्माना क्यों लगाया, क्योंकि गंग नहर में गंदा पानी गिर रहा है उसे वो रोकने में नाकाम है इसी कारण से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सप्त शक्ति कमान भारतीय सेना की ओर से किस अभ्यास का आयोजन करेगी, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभ्यास राहत। एक्चुअल में 11 और 12 फरवरी को सप्त शक्ति कमांड इंडियन आर्मी की ओर से यानी कि इंडियन आर्मी के बिहाफ से अभ्यास राहत का आयोजन करेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये एक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। और ये होगा कहाँ पे, तो राजस्थान के 3 शहरों में एक साथ होगा, कोटा में, जयपुर में और अलवर में। तो याद रखना अभ्यास राहत है इसका नाम। अच्छा देखो, इंडियन आर्मी की बात हुई है तो आपको हमारी तीनों सेनाओं के चीफ के बारे में पता होना चाहिए। चलो मैं आपका एक बार रिविजन नहीं करा देता हूँ, नेवल चीफ कौन है, सुनील लांबा। एयर चीफ मार्शल कौन है, बीरेंद्र सिंह धनोहा। आर्मी चीफ कौन है, बिपिन रावत। अब जब भी बिपिन रावत का नाम आता है मैं आपको याद दिलाता हूं, 27 जनवरी के करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था, परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था बिपिन रावत को। अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये बनता है कि वर्तमान में हमारी रक्षा मंत्री कौन है, तो आंसर क्या होगा, निर्मला सीतारमण। ये हमारी दूसरी महिला रक्षा मंत्री है। तो फिर प्रश्न आ गया होगा कि पहली कौन है, आंसर होगा इंदिरा गांधी। पर रुको रुको, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे, जो कि पूछता है, कि स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है, तो फिर आंसर क्या होगा, निर्मला सीतारमण। पूर्णकालिक रक्षा मंत्री मतलब क्या हो गया, फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर। इंदिरा गांधी भी थी लेकिन उन्होंने रक्षा मंत्री पद का अतिरिक्त भार ग्रहण किया था और वो भी एक साल बाद छोड़ दिया था।
तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर रखना। सिंपल अगर आपसे पूछे कि पहली महिला रक्षा मंत्री कौन है तो आंसर देना इंदिरा गांधी, लेकिन अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है तो आंसर देना निर्मला सीतारमण। अच्छा देखो, मैं आपको इंदिरा गांधी से लिंक करके हमेशा एक पॉइंट याद कराता हूँ, रिविजन करवाता हूँ। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला आंसर होगा इंदिरा गांधी। कब मिला था? 1971 को। और यहां से भी लिंक करके मैं एक पॉइंट याद कराता हूं। बताओ 1971 किसका स्थापना दिवस है? जो पुराने लोग हैं उनको पता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको बता दूं, हम यहां पे एक स्टोरी अटैच करके इसको याद करते हैं। देखो 1971 में आपको याद आना चाहिए, पुराने भी भैया रिविजन मारो, मेरे साथ साथ बोलना जिसको याद है। क्या हुआ था 1971 को? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और युद्ध होता है तो देश की इकोनॉमी डाउन हो जाती है, तो इकोनॉमी से हमने याद कर लिया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना दिवस है 1971 को। चलो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आ गया, उसका स्थापना दिवस भी देख लिया, तो हेडक्वार्टर और उसके चेयरपर्सन भी तो देख लो, इसी स्टोरी से देखेंगे। युद्ध चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 को। अब युद्ध में होती है आर्मी, और आर्मी कहाँ पर रहती है? कॉलोनी बना करके रहती है, आर्मी सैनिक कॉलोनियां बना करके रहते हैं, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कॉलोनी स्विट्जरलैंड में। और युद्ध में क्या होता है? हर तरफ लाशें ही लाशें बिछ जाती है, तो लाश से हमने याद किया था क्लास स्वैब, जो कि इसके चेयरपर्सन है। तो देखो इस तरह से लिंक करके याद करोगे ना, कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी और मजा और आएगा पढ़ने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अर्जेंटीना गणराज्य में भारत के राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिनेश भाटिया को। तो अभी हाल ही में दिनेश भाटिया को अर्जेंटीना में भारत के राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा देखो, आप लोगों को पता है ना मैं आप लोगों के बारे में कितना सोचता हूँ, इसीलिए तो जानबूझ करके मैंने ऑप्शन को इस तरह से सेट किया है कि मैं आपका रिविजन करा सकूँ। तो फिर ऑप्शन बी को देखो, क्या लिखा हुआ है? विजय सिंह। 3 फरवरी के करंट अफेयर्स में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि विजय सिंह को बुर्किना फासो में भारत का राजदूत बनाया है। ऑप्शन सी क्या है? सुंजय सुधीर। 3 फरवरी को ही मैंने आपको बताया था मालदीव में भारत के राजदूत बने कौन? सुंजय सुधीर। और ऑप्शन डी क्या है? संजीव रंजन। ये भी एक आध दिन पहले ही बताया था कि कोलंबिया में भारत के राजदूत बने कौन? संजीव रंजन। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था ये पहले अर्जेंटीना में भारत के राजदूत थे, फिर आप कहाँ चले गए? कोलंबिया में बन गए ये भारत के राजदूत, तो अर्जेंटीना में जगह खाली हो गई। तो आप क्वेश्चन देखो, दिनेश भाटिया को हमने अर्जेंटीना में भारत का राजदूत बना दिया, समझ में आ गई बात। अब अर्जेंटीना की बात हुई है तो अर्जेंटीना को आप मैप में देखिए, ये रहा अर्जेंटीना। कैपिटल क्या है? ब्यूनोस आयर्स। करेंसी क्या है? अर्जेंटीनी पीसो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जुआन गाइडो। अच्छा देखो, वेनेजुएला में अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है वेनेजुएला, आपने सुना ही होगा न्यूज़पेपर या फिर टीवी वगैरह में। तो क्या चल रहा है इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बिल्कुल लल्लू तरीके से समझाता हूँ। अभी देखो 11 जनवरी को मैंने आपको बताया था वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने थे कौन? निकोलस मदुरो। एक्चुअल में ये इनका दूसरा कार्यकाल है, यानी कि इससे पहले भी इनका कार्यकाल रह चुका है, यानी कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट रहे थे। लेकिन जब इनकी सत्ता में क्या हो गया, बहुत गलत इन्होंने डिसीजन लिए और जिससे देश को काफ़ी नुकसान हुआ, देश के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, और अभी प्रेसिडेंट ये फिर से बन गए हैं, तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। तो इसीलिए अपोजिट पार्टी के एक नेता उठे, नाम था जुआन गाइडो, और वो कहने लगे कि भैया निकोलस, हम नहीं मानते कि आप राष्ट्रपति हैं, आपने चुनावों में चीटिंग की है, धांधली की है, वापस से चुनाव होने चाहिए। अब निकोलस मदुरो कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने कहा चुनाव करवाने जब होंगे सिस्टम से 4-5 साल बाद तब होंगे, मैं तो अभी नहीं कराऊंगा। तो फिर जुआन गाइडो ने कहा कि मैं आपको राष्ट्रपति नहीं मानता हूं, मैं अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करता हूं वेनेजुएला का। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनके समर्थन में, उनके सपोर्ट में अमेरिका, मैक्सिको और इस तरह से 20 कंट्रीज ने उन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट की मान्यता दे दी। और सभी देशों ने कहा निकोलस मदुरो से कि भैया हम आपको 8 दिन का समय दे रहे हैं, आप फिर से चुनाव करवाओ और जो जीतेगा वो बन जाएगा वेनेजुएला का राष्ट्रपति। लेकिन निकोलस मदुरो कहाँ मानने वाले थे, 8 दिन निकल गए, उन्होंने चुनाव नहीं कराए। तो फिर जो भी कंट्रीज थी उन्होंने जुआन गुआडो को वेनेजुएला का इंटरिम प्रेसिडेंट की मान्यता दे दी है, तो ये चीज आप याद रखना। अच्छा देखो, मैं आपको थोड़ी और जानकारी देता हूं, उसके लिए आपको ऑप्शन बी पढ़ना है। ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है? क्रिस्टोफ डाबायर। तो 23 जनवरी के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था क्रिस्टोफ डाबायर बुर्किना फासो के नए प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा, बुर्किना फासो से कुछ याद आया आपको? अरे पीछे ही तो पढ़ा था विजय सिंह को बुर्किना फासो में भारत का राजदूत बनाया है। ऑप्शन सी क्या है?
जेयर बोल्सनारो, जनवरी में मैंने आपको पढ़ाया था ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने थे कौन, जेयर बोल्सनारो। ऑप्शन डी क्या है, एंद्रेस मैनुअल। मैक्सिको के नए राष्ट्रपति बने थे कौन, एंद्रेस मैनुअल। ये भी जनवरी में ही या दिसंबर में ही मैंने आपको बताया था। अच्छा देखो, क्वेश्चन में हमने क्या कहा, जुआन गाइडो किस देश के इंटरिम राष्ट्रपति बने हैं, तो आंसर होगा वेनेजुएला। तो वेनेजुएला को आप मैप में देखिए, ये रहा वेनेजुएला। कैपिटल क्या है, कैरेकस है। करेंसी क्या है, बोलीवर है। और याद रखना, इसके प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछे तो अभी प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो ही है, इंटरिम प्रेसिडेंट पूछेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, जुआन गाइडो होगा। तो ये याद रखना, हो सकता है बहुत जल्द हमें फिर से वेनेजुएला को पढ़ना हो, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट अभी तक निकोलस मदुरो बने हुए हैं। इंटरिम प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया हुआ है, इंटरिम मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। तो इंटरिम प्रेसिडेंट की मान्यता दे दी है बाकी देशों ने जुआन गाइडो को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2019 जीता है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूनिप्रो। तो अभी हाल ही में यूनिप्रो जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने जीता है इस साल का एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2019। अच्छा, तो ये यूनिप्रो नाम की जो कंपनी है, इसे ये एजिस ग्राहम बेल अवार्ड क्यों मिला है? तो देखो, एक्चुअली में इसने एयूमिना, AUMINA ये नाम की एक डिवाइस है वो बनाई थी। अच्छा, ये एयूमिना नाम की डिवाइस करती क्या है, तो ये वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस है, जैसे कि ये आपकी वॉइस से पता लगा लेगी कि आप खुश हो, आप नाराज़ हो, आप दुखी हो, तो ये वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस है, इसके लिए इसे ये अवार्ड मिला है। तो समझ गए आप। एक बार फिर से देखो, 2019 का एजिस ग्राहम बेल अवार्ड किस श्रेणी में, इनोवेशन एंड डेटा साइंस की श्रेणी में जीता है यूनिप्रो ने, और ये इस अवार्ड का 9th एडिशन था जो कि गोवा में आयोजित हुआ। तो यूनिप्रो ने जीत लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फिच ग्रुप के अनुसार 2019-20 में सरकार का राजकोषीय घाटा, इंग्लिश में बोलेंगे तो फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी के कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3.6%। तो अभी हाल ही में फिच ग्रुप ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि सरकार का राजकोषीय घाटा, इंग्लिश में बोलेंगे तो फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी का 3.6% तक गिरने की उम्मीद है। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा से आप क्या समझते हैं? ऐसे समझो, देश ने जितनी कमाई की है और उससे ज़्यादा उसने खर्च कर दिया, तो दोनों का खर्चा और कमाई का जो अंतर आएगा ना, वो बताएगा राजकोषीय घाटे को। ठीक है। अच्छा देखो, अभी अंतरिम बजट पेश किया अंतरिम फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल ने, तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा फॉर फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2019 का कितना रहने वाला है या कितना रहा, 3.4%। तो वो भी याद रखना और फिच के अनुसार भी याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वेक्षण के अनुसार, सर्वेक्षण यानी कि सर्वे के अनुसार, राज्यों द्वारा बजटीय व्यवहार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असम। तो अभी हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूट के सर्वे के अनुसार राज्यों द्वारा बजटीय व्यवहार में असम टॉप पर रहा है। अच्छा, ये सर्वेक्षण, ये सर्वे हुआ है बजटीय व्यवहार के बेसिस पे। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया बजटीय व्यवहार का, तो किस राज्य ने सबसे ज़्यादा बजट जनरेट किया और राज्य ने बजट का सही से इस्तेमाल किया है, तो इसके बेसिस पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक सर्वे किया और उसमें टॉप पे कौन रहा, असम। अब असम टॉप पे रहा है, तो आप असम को मैप में देखिए, ये रहा असम। कैपिटल क्या है, दिसपुर है। गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। और सीएम कौन है, सर्बानंदा सोनोवाल। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको असम से बताता हूँ जो आपके करंट का ही पार्ट बनेगा। भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कहां पर है? तो आंसर होगा असम में। अच्छा, इस पुल का नाम भी है बोगी बिल रेल रोड पुल। इसकी लंबाई कितनी है, 4.94 किलोमीटर, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा। अच्छा, किस नदी पे बना हुआ है? भाई पुल है तो नदी पे होगा, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अभी पेपर हुए थे, तो किसी बच्चे ने एक मुझसे क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन शेयर किया था, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो आंसर क्या होगा, असम ही है। और एक और इंपॉर्टेंट बनता है आपका पार्ट असम से, कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा असम में। और काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न से इतनी जानकारी लेते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ड्स काउंट फेस्टिवल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
पुणे में। तो अभी हाल ही में वर्ड्स काउंट फेस्टिवल 2019 का आयोजन पुणे में किया गया। अच्छा, ये वर्ड्स काउंट फेस्टिवल 2019 है क्या? तो देखो, ये एक तरह का, इसमें क्या होता है, अलग अलग सेक्टर से अलग अलग क्षेत्र के लोगों को अपनी बात बोलने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वो लोग राष्ट्र निर्माण और धर्म निरपेक्षता, इंग्लिश में बोलेंगे तो नेशनल बिल्डिंग और सेक्युलरिज्म के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। उनको एक मंच, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ये। अच्छा, याद रखना, ये वर्ल्ड काउंट फेस्टिवल 2019 का दूसरा एडिशन था जो कि पुणे महाराष्ट्र में हुआ। अच्छा, महाराष्ट्र में हुआ तो महाराष्ट्र को आप मैप में देखिए, ये रहा महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई है। गवर्नर कौन है? सी विद्यासागर राव। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। अच्छा देखो, मैं हमेशा आपको बताता हूँ महाराष्ट्र के बारे में, जब भी बताता हूँ, एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है? धारापुरी महाराष्ट्र में। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और देखो, अभी अजंता की गुफाएं तो एक एग्जाम में पूछा गया। आप ही में से हमारे एक स्टूडेंट है, सब्सक्राइबर है, राजेश भील, उन्होंने बताया, उनका पेपर था आरपीएफ कांस्टेबल का 17 जनवरी को, तो उन्होंने बताया कि ये पूछा गया था। और मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ, अजंता गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अच्छा, रेलवे ग्रुप डी के जो पेपर हुए थे ना, वहाँ पे पूछा गया था बोरा केव्स कहाँ पर है? तो बोरा केव्स में कहाँ पे बताता हूँ आपको, जब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो कहाँ पर है बोरा केव्स? आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम सुना है आपने, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। और याद रखना, इंडिया का ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इन कमर्शियल ऑपरेशन। SBI क्लर्क 2016 में एक बार पूछा गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है? तो आंसर क्या होगा? मुंबई में है। और इसी को कहते हैं नावा शिवा, NHAVA शिवा, SHEVA। और आपको याद होगा 24 जनवरी का करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने आपको बताया था, लॉयर्ट्स की रिपोर्ट आई थी और उसमें उसने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को दुनिया के टॉप 30 पोर्ट यानी कि बंदरगाहों में शामिल किया गया है। और याद रखना, ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना, ये हमारे देश का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। अच्छा देखो, पोर्ट बंदरगाहों की बात चल रही है तो मैं आपको टोटल बताता हूँ कि भारत में कितने मुख्य पोर्ट है, तो आंसर होगा 13। 13 में से 12 तो गवर्नमेंट के हैं और एक प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेट वाले पे ही प्रश्न बनता है, प्राइवेट वाला कहाँ पर है और क्या नाम है? एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में है। और सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है अगर पूछे तो, ये गुजरात में है, कांडला पोर्ट, पहले इसे बोलते थे लेकिन 2017 में इसका नाम चेंज हो गया पंडित दीनदयाल पोर्ट के नाम पे। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि संतरों की नगरी किसे कहते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए नागपुर को। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि भी 19 जनवरी के करंट अफेयर्स में ही मैंने आपको बताया था दूसरा विश्व संतरा महोत्सव कहां पे शुरू हुआ है, नागपुर में। और वहीं मैंने आपको बताया था संतों की नगरी इसे कहते हैं। तो इस तरह से चीजों को लिंक करोगे ना, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे और पता भी नहीं लगेगा और सारी चीजें आपकी जुड़ी हुई रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए सोपान 2019 महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। तो अभी हाल ही में युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए सोपान 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अच्छा, तो ये है क्या सोपान महोत्सव? तो इसमें क्या होता है, युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए संगीत और डांस का आयोजन किया जाता है। तो याद रखना, सोपान महोत्सव 2019 कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजन हुआ इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अन्नपूर्णा फाइनेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 14%। तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अन्नपूर्णा फाइनेंस की 14% की हिस्सेदारी खरीद ली है। कितने में? 137 करोड़ रुपीज में। अच्छा, बात हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? ताकेहिकी नाकाओ। तो इस प्रश्न से याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अन्नपूर्णा फाइनेंस का कितना प्रतिशत खरीद लिया है? 14% की हिस्सेदारी खरीद ली है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पोप फ्रांसिसी ने किस देश की ऐतिहासिक यात्रा की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी हाल ही में ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिसी यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा पर है। और ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस्लाम की जन्मस्थली पर पहुंचने वाले ये पहले पॉप बन गए हैं, पॉप फ्रांसिसी। बस इतना आप इस प्रश्न से याद रखना, यूनाइटेड अरब अमीरात का नाम। अच्छा देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे ही मैंने बोला, आपको लिंक करके कुछ याद आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब ने साथ मिलकर के आपस में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी। क्या नाम है उस डिजिटल करेंसी का? एबर।
अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा पर पहुंचे हैं पोप फ्रांसिसी। तो यूनाइटेड अरब अमीरात को आप मैप में देखिए, ये रहा यूएई। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी क्या है? दिरहम है। प्रेसिडेंट कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और याद रखना, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में, जो कि यूएई में ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईओआरए की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अच्छा, ये आईओआरए मतलब क्या हो गया? इसकी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो अभी हाल ही में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। अच्छा, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था? तो डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन को मजबूत कैसे किया जाए, इस पर यह बैठक आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। अच्छा, आईओआरए यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में कितने मेंबर कंट्रीज हैं? तो आंसर होगा 21 कंट्रीज आते हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉरिशस में है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में कौन 100 T20 खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बन गई है? तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, सना मीरा, जो कि पाकिस्तान से हैं। आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है, और आप में से ज़्यादातर ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो मैं उन सभी के नाम आपको बताता हूँ जिन्होंने आंसर को डिटेल में लिखा है। एनके शर्मा, रेणु कुमारी, कबीर, राकेश, मंटू, संतोष, वेदपाल, मोहम्मद रजाउद्दीन, शिवानी, कांता जी, प्रेरणा, भीषम लाल, बलवंत, जितेश, आकाश, अजय, आलोक, सुजाता, नेहा, सीता, मयंक, राकेश, चंद्र, शेखर, अमित, राजेश, सुरेंद्र। तो देखिए, आज नाम कम है, तो हो सकता है आपने डिटेल में लिखा हो, आपका नाम इसलिए नहीं आया हो। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, दो कारण हो सकते हैं आपके नाम नहीं आने के, या तो आपने आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, या फिर आपने एक्सप्लेन किया है तो आपने टाइप करने में समय ज़्यादा लगा दिया है। क्योंकि लिस्ट जब बन चुकी होती है तो फिर उसके बाद उसमें एडिट नहीं किया जा सकता। तो आप कोशिश करा करें, थोड़ा जल्दी आप आंसर दे दें। कोशिश में आपको टाइम बता दूँ तो इवनिंग में 6 बजे के पहले 80% चांसेस होते हैं कि लिस्ट बन जाती है, तो कोशिश करें उससे पहले बन जाए। तो कोशिश करें 6 बजे के पहले अगर आप लिख सकें तो। अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्विज की प्रश्न की। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपने देखा होगा ना, तो स्टार्टिंग में ना वीडियो के बीच में मैंने लाइक और शेयर सब्सक्राइब के लिए आपसे नहीं बोला है, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं। तो आप थोड़ी सी ईमानदारी दिखाइएगा, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे कंटिन्यू वीडियो रखने में। आज के प्रश्न की हम बात करते हैं, हाल ही में इसरो ने कहाँ पे गगनयान मिशन के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया है? आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स वो रहा, कोशिश करना इसको डिटेल में लिख सकते हो। डिटेल में आप इसरो के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, और जो नए लोग हैं जो इसे पहली बार देख रहे हैं, मैं चाहूँगा आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, आपको इस चैनल से 100% फ़ायदा मिलेगा, ये आप खुद मुझसे बोलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेक जी के ट्रिक्स।